हाय गाइस, वेलकम। मैं अमृता सेठी, फैशन डिजाइनर और प्रोफेशनल पोकर प्लेयर मॉडल, आप सबका वेलकम करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे पूजा मिश्रा के टॉपिक पे। ये मेरे साथ अमित आहूजा, फैशन डिजाइनर, फैशन स्टाइलर फ्रॉम न्यू दिल्ली, और ये मेरे साथ अशोक कुमार जी हैं, ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और ये भी मेरे दोस्त हैं। फ्रेंड्स, वेल, मैं अमित आहूजा, फैशन डिजाइनर न्यू दिल्ली से। वेल, एक्चुअली आज मैं लाइव आप सब लोगों के लिए, जो हम लोग यहाँ पर एक डिबेट के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, मैं अपनी फ्रेंड, मानी जानी एक मॉडल, एक्ट्रेस और पोकर प्लेयर भी जो रह चुकी है, अमृता सेठी के साथ मैं मौजूद हूँ। और हमारे साथ हैं अशोक जी, जो राजनीति फील्ड से बिलोंग करते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पर आज इस विषय के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, एक छोटा सा मुझको न्याय चाहिए, जो मेरी एक फ्रेंड बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट, 5 सीजन की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं, पूजा मिश्रा। एक्चुअली उनके ऊपर, उनका कहना है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, और जो शत्रुघ्न सिन्हा की जो वाइफ है पूनम सिन्हा, वो सारी सेलिब्रिटीज़ के ऊपर ब्लैक मैजिक करके उनको एक लेडर बना करके अपने आगे में यूज़ करते हैं। तो उसी के ऊपर मेरे कुछ सवाल रहेंगे और मैं जानना चाहूंगा कि किस इस टॉपिक के ऊपर जो मेरी मॉडल है, क्योंकि वो इस फील्ड से बहुत रूबरू है, इस इंडस्ट्री के लोगों को बहुत अच्छे से जानती हैं, और उनको मैं उम्मीद करता हूं कि वो मेरे सवालों को कुछ इस तरीके से जवाब देंगी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से, ये पिछले 15 सालों से एक ये मिस्ट्री चल रही है पूजा मिश्रा की लाइफ से, जो हम काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है, जब वो बिग बॉस सीजन 5 से निकली थी उनके ग्रैंड फिनाले के पास। मतलब एक बहुत मिस्ट्री कुछ ऐसी है कि वो बहुत सुलझी भी है, तो मुझे उसका कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो मेरे को ये लगा कि आई थिंक ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि मैं लोगों से ओपिनियन लेकर के और उन लोगों के सुझाव लेकर के मैं बात करूं जो इस फैशन फील्ड से बिलोंग्स हैं और जो हमारा सर्कल है। तो मैं अमृता जी से जानना चाहूंगा इस बारे में कि अमृता जी, आप मुझे ये बताइए कि आप कितना बिलीव करती हैं ब्लैक मैजिक के ऊपर, और क्या कितना इस चीज़ को सही मानती हैं कि वाकई में ही जो पूजा मिश्रा ने आरोप लगाया है कि मैं शत्रुघ्न सिन्हा की वीवी पूनम सिन्हा ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करके उसको एक लेडर बना करके वो इस मुकाम तक पहुंची है कि उसने अपनी डॉटर को यूज करके अपना इस लाइन में उसको इतना ऊपर बना दिया। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, मैं इस पे 100% बिलीव करती हूं, क्योंकि आजकल ये सब चल रहा है, काफ़ी मंदिर भी हैं जहाँ पे इन चीज़ों को उतारा भी होता है। और बाकी पूनम सिन्हा ये सब कर रही हैं, इनफैक्ट काफ़ी एक्ट्रेसेस हैं मानी जानी इंडस्ट्री में जो ये सब करती हैं और जिनके बारे में पूरी इंडस्ट्री भी जानती है, वो फेमस है, बहुत सारी हैं। पूनम सिन्हा है, दिन सोनाक्षी सिन्हा है, देन विपाशा बासु है, बाकी लोगों को छोड़िए, बहुत लोग, मतलब ये फेमस है इन सब। मतलब मेरा ये मानना है आपसे कि फेमस, देखिए, एक होता है ब्लैक मैजिक जो हम आपसी घरेलू संबंध के मियां बीवी के कलेश, ब्लैक मैजिक एक ही टाइप का होता है, वो किस तरीके से आप देखिए, उसमें जहां तक मुझे पूजा ने बताया कि उसके ऊपर अघोड़ी बिठाए गए, देखिए, है ना, एक ब्लैक मैजिक हो गया कि हमने वाशीकरण कर करके मियां बीवी का झगड़ा सुलझा दिया, उसका उसका उसके साथ सेटिंग करा दी, एक तो ये नॉर्मल। देखिए, मुझे तो ब्लैक मैजिक की कोई नॉलेज नहीं है, बट जो भी है ये ब्लैक मैजिक 100% उन पे किया होगा। जैसे उसके ऊपर इंडस्ट्री में न्यू कमर्स की एंट्री नहीं होने देते हैं, उनको स्पॉइल करते हैं, उनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्री वालों की जो लड़कियां हैं, जो सेलिब्रिटी किड्स हैं, जो सेलिब्रिटी स्टारडम जो उसमें ऑलरेडी हैं, ठीक है, उनको उस लेवल पे सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्री वाले कि वो लोग न्यू कमर्स को एंट्री ही नहीं देते हैं। आप ये देखिए, जयपुर से, दिल्ली से, हर जगह से कितनी सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां बॉम्बे में आते हैं और वो रोज स्पॉइल होते हैं, ना उनको काम मिलता है, ना उनको टीवी में काम मिलता है, उनको पागल बना के उनको गुमराह कर दिया जाता है। लेकिन आप लोग, देखो मैं आपको बताऊँ, अभी जैसे आपने कहा कि आपकी फ्रेंड पूजा मिश्रा है तो सलमान के शो में गई और उन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक कराया गया, तो और ये भी शो में जाने पे ब्लैक मैजिक नहीं कराया, जो वहां काम करने के बाद आगे उसको। अब मैं आपको बताऊं, देखिए, जिस पोजीशन पे मैं हूं या मैं जिस बात की आपको बता रहा हूं कि ये पॉइंट है, द पॉइंट इज कि आप लोग कह रहे हैं ब्लैक मैजिक होता है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि ये एक इंसान के अंदर, पहली बात तो आपने कहा कि पूनम सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा, उस तरह का नाम पूजा मिश्रा ने लिया, तो अगर पूजा मिश्रा ने नाम लिया है तो ये लोग चाहे बॉलीवुड के हों, चाहे राजनीतिक हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, जो भी स्टार पोजिशन में आते हैं, इनको स्टार बनने का जुनून रहता है, वो लोग इस तरह के अपने से ऊपर टारगेट करते हैं और उसके ऊपर छदम। नहीं नहीं, एक मिनट, मैं आपको इस बात पे रोकना चाहती हूँ। बताता हूँ, सुनिए, एक्चुअल क्या है, एक मेरा दोस्त था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैं बोल रहा हूँ आपको, इसलिए मैं बिलीव नहीं करता।
जब भी आप किसी का अगर आपके ऊपर हुआ है तो आपको कैसे पता किसने किया? ऐसा नहीं आप कह सकते, आप मैं कह रहा हूं आपकी आपकी फ्रेंड ने कहा, आपकी फ्रेंड ने, मैं जी आपकी फ्रेंड ने कहा, पूनम सिन्हा सोनाक्षी सिन्हा की माँ, कैसे उसे मालूम हुआ? अगर ब्लैक मैजिक हुआ तो कोई भी ब्लैक मैजिक करने वाला, आप इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए, नहीं क्यों आपको नहीं मालूम होगा इसने कराया, पूजा मिश्रा हमेशा यहाँ पर नहीं आ सकता जी, आया करते थे। देखिए मैं बता रहा हूँ क्यों क्यों नहीं आ सकते, क्यों देखिए मैं बताता हूँ इस बारे में, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा एक सेकंड। आप कह रहे हो आपको कैसे पता, वो ऐसे पता कि अगर मान लो जैसे ब्लैक मैजिक की अपनी अपनी ट्रिक्स होती है कि आपके कपड़े, देखो ब्लैक मैजिक बहुत तरीके से होता है, आपके बालों से, आपकी शूज से, अंडरगारमेंट से, आपके पसीने से और कुछ चीजों से, नींबू मिर्ची लेकर के भी आपके ऊपर उतारवा ये सिर्फ नींबू मिर्ची वाले लोग ही करते हैं, नहीं ये तो उनकी मानसिकता बन गई है, टोटके होते हैं, छोटे टोटके होते हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक अपने आप में बहुत बड़ा होता है जिसमें शायद अब सुनिए कभी आपके ऊपर भी हुआ, अरे मेरे ऊपर हुआ, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मुझसे सुनिए आप लोग जो बात कर रहे हैं, इसीलिए हमारे देश को, मैं देश की बात कर रहा हूँ, देश में जो इस तरह की मानसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, हमें इनकी मानसिकता को टटोल के और उनके अंदर माइंड वॉश करना पड़ेगा कि आप गलत, माइंड वॉश कैसे, माइंड वॉश का मतलब गलत, उनके अंदर की गलत धारणा करेगा, इट डजंट, उनके अंदर फील होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए आप मुझे ये कह रहे हो बालाजी बता रहा होता है, एक मिनट यार, तो बालाजी को बता रहा होता है, वो लोग नाटक कर रहे हैं वहां पे, मैं आपको 100% वो नाटक कर रहे हैं लोग, किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, आप इस बात को जान लीजिए, अगर होता है, मुझसे किसी ने कहा था कि अगले 24 तारीख को आपके साथ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हुआ, वो सब बातें अलग है, ब्लैक मैजिक तो नहीं है, भगवान होता है, ब्लैक मैजिक भी होता है, भगवान होता है, भगवान भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ एक आस्था है, आप नहीं मानते भगवान होता ही नहीं है, एक आस्था है, कहाँ से लेकर के, एक आस्था है, पहले सुन लीजिए, भगवान हम किसे मानते, आप आपने भगवान देखा है किसे, तो भगवान तो मैंने भी नहीं, सुन लीजिए, हमारे हमारे अंदर हमारे हमारे अंदर हमारे अंदर भगवान है, आपके अंदर है, इनके अंदर है, सबके अंदर है, सुन लीजिए पहले बात पूरी सुनिए, आप लोग किसी को अगर ब्लैक मैजिक है तो पहली बात तो ये है कि ब्लैक मैजिक अगर आप पॉइंट इसको एक्सप्लेन करेंगे तो एक एक्सप्लेन करते समय आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि ये मेरे ऊपर कराया, तो अगर ये कोई कह दे तो फिर आप कैसे, तो आपने कैसे कहा कि पूजा मिश्रा ने, पूजा मिश्रा कहा कि पूनम सिन्हा ने कराया, मुझे इस बात का, तो पूनम सिन्हा ने किस वजह से करवाया वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ, पूजा ने कैसे कराया, मैं वही तो कह रहा हूँ, कैसे मालूम हुआ, आप इस बात को ना, जब आप मौका दोगे तभी तो मैं बोलूंगा, आप अपनी बात को ऊंचा रखेंगे तो मेरी बात को नीचा रखेंगे। उसके घर पर एक अगौड़ी पंडित जी आते थे, उनका एक जैसे हमारे सबके घरों में एक पंडित जी होते हैं, तो वो सारा टाइम फोन पर बातें करता रहता था, उसको पूजा मिश्रा के ब्रदर ने, मैं सॉरी उसकी फैमिली को नहीं इन्वॉल्व करूंगा इस चीज में, तो उसको मोबाइल पंडित, मोबाइल पंडित कहते थे, तो पूनम सिन्हा ने उसको कैच किया, किसको, उस पंडित को, मान लो जैसे आपके घर पे कोई भी आपका कुछ अच्छा हो रहा है, आप बहुत सक्सेस कर रहे हो, तो मैं पूछूंगा ना कि भाई कौन से पंडित के पास जा रहे हो या आप किसको राशि दिखा रहे हो, एक वो पॉजिटिव पॉइंट हो गया, इस नेगेटिव पॉइंट में पूनम सिन्हा ने उसको ट्रेस किया कि भाई ये पूजा मिश्रा के घर पर जाता है तो हम इसको पहले टारगेट करते हैं। उस पंडित जी को जब टैग किया, पूजा मिश्रा को वो ये बोलता है कि हम आपको, आपके ऊपर जो भी ये बुरी नजर है, आपका काम नहीं मिल रहा, आपको पिक्चरें नहीं मिल रही, आपके काम सारे फेल हो रहे हैं, तो आप हमारे पास आइए, पूजा कराइए, मैं आपकी काली की पूजा करा करके दूंगा। तो पूजा मिश्रा जो कपड़े पहन करके गई थी, उसने उसको बोला कि वो कपड़े उतार दो, ठीक है, आप फ्रेश पहनो, फ्रेश सूट पहनो, क्योंकि किसके इंस्ट्रक्शन थे, पीएस के, ठीक है, इन शॉर्ट एंड पीएस पूनम सिन्हा के इंस्ट्रक्शन थे। फिर उसके बाद उसका जो जो वो कपड़े पहन करके गई थी, उसकी जो भी उसमें स्वेटिंग हुई, जो भी होता है ना यार लेडीज का, उसने उसके ऊपर ये सारा जादू करके वो कपड़े वपड़े पे जो भी मंत्र शंत्र पढ़ करके उसको एक तरीके से बांध दिया। देखो देखिए ये होता तो है बॉम्बे में, ये पूरी इंडस्ट्री में ये लोग मशहूर भी है ब्लैक मैजिक करने के लिए। पूनम सिन्हा बहुत ज्यादा लड़की डिप्रेशन में गई है, वो डिप्रेशन में गई है, ये तो उसके लिए पूरी एक खास स्पेशल रिपोर्ट बनी है कि बॉलीवुड के किन किन, कुनिका सचदेवा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मानी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की हीरोइन है, उसने तक इस चीज को साबित करा है, रजा मुराद ने तक इस चीज को साबित करा है, उसने भी बोला है कि ये चीज होती है क्योंकि उनके साथ भी जिनके साथ हुई है वो ही तो बताएगा ना, जो जिसके ऊपर हो रखा है। अब एक बार बताओ, होलियों पर हम कितने टोटके देखते हैं, टोटकों का असर अलग होता है, ब्लैक मैजिक का अलग होता है, लेकिन अगर हम सड़क चौराहे पर कोई नींबू मिर्ची या सिंदूर बिंदूर, हम क्यों कहते हैं कि गाड़ी इसके ऊपर से चले गए, ये कर लो, अब ये वाला उपाय कर लो, अब ये हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई, ये सारे छोटे छोटे टोटके होते हैं, तो टोटकों को आप ब्लैक मैजिक से कंपेयर नहीं कर
कर सकते, ब्लैक मैजिक आपके कहने का मतलब है कि आपके माइंड को डाइवर्ट कर दिया। ब्लैक मैजिक का मानते किसे आप ही बताओ, डाइवर्ट क्यों करेगा? ब्लैक मैजिक का मतलब क्या? फिर एक काम करते हैं, आपके ऊपर भी एक घोड़ी बिठा करके कराइए, मैजिक कराया कराइए, फिर देखते हैं आपकी। मैं तो कह रहा हूँ कराइए। अरे आप क्या बात कर रहे हैं मेरे ऊपर, ऐसे सौ लोगों ने कहा, ऐसे तो मेरे ऊपर रोज कहते हैं ब्लैक मैजिक में कराऊंगा ऐसे होगा, कुछ खूब कराइए कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं बताता हूँ, फिर प्रॉब्लम यहाँ आती है, आपका भी दिमाग कल को घूमेगा, आप कल को फिर यहाँ पर कुछ बैठ करके कुछ और बोलेंगे। ब्लैक मैजिक दिमाग कि प्रोसेस को, थॉट लेवल को, आपकी पहली बात तो आप ब्लैक मैजिक जानते हैं। मैं क्यों जानूं ब्लैक मैजिक का मतलब क्या है? वशीकरण की बात कर रहे हैं। वशीकरण क्या होता है? वो हिप्नोटाइज करके। वशीकरण का मतलब क्या है? वशीकरण का मतलब ये होता है अपने वश में करना, हिप्नोटाइज करना। आप मुझे वश में करके दिखाइए। क्यों रे कि मैं कैसे आपको करके दिखा दूंगा, मेरा ये प्रोफेशन तो वशीकरण। किसने कहा तो वशीकरण होता है? मैं ये पंडित नहीं हूं, वशीकरण तो काफी पंडित करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, देखिए मैं अमृता जी आपको बताता हूँ इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्चुअल थ्योरी क्या है। मैंने रिसर्च किया था, ओके, मैं साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ रिसर्च क्या होती है। हमारा जो माइंड है, जो हमारे दिमाग में जो चीजें चल रही होती हैं, जो दिमाग का भेजा जिसे हम बोलते हैं, कभी कभी क्या, देखिए मेरे हाथ में कलावा है, कलावा ये काल का काल को बांधता है, लोग कहते हैं ना, हमारी इसके प्रति एक आस्था है, और आस्था नहीं है, हमारे समाज की एक आस्था है, लोगों की आस्था है, और उन्होंने कहा कि कलावा बांधने से मृत्यु भाग जाती है। ठीक है, हमने धारणा बना ली और हमने उस धारणा को अंदर बिठा लिया, जहन में मेरे है कि मैं कलावा बांधूंगा, आधे समय में सुरक्षित हूं। उसी तरह से अगर आप निडर होके काम, विश्वास है, जब भी आप निडर होके काम करते हैं उस काम में आपको 98% सफलता मिलती है। और अगर आप किसी दहशत के बीच में काम करते हैं, जैसे आपको अगर कुछ भी कर रहे हैं और आपको मालूम हुआ कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कराया, 100% लिख के दे रहा हूँ, काम नहीं होगा। अगर आपको मालूम हो कि मैं उस रास्ते पर जाऊंगा, ऐसा होने वाला है, वो काम नहीं होगा। ये हमारे अंदर की धारणा ही वही ब्लैक वही वशीकरण है। पर ब्लैक मैजिक के ऊपर अट्रैक्टिव होते हैं नहीं बैठे हैं हम यहाँ पर, सिर्फ ये बैठे हैं कि अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ और अगर हुआ है साथ में हो रहा है ब्लैक मैजिक नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए पॉइंट ब्लैक मैजिक नहीं है, आपका पॉइंट कुछ और था। नहीं, मेरा पॉइंट जो भी था, मेरा पॉइंट आपने पूरा सुना नहीं है। आपने सिर्फ एक ब्लैक मैजिक को पॉइंट मुद्दा बना करके आप उसको राइज कर रहे हो कि आप जानते हो, आप करते हो, आपको ब्लैक मैजिक के ऊपर आपने, देखिए ब्लैक मैजिक से शुरुआत हुई ना, किसी ब्लैक मैजिक के ऊपर पूनम सिन्हा नाम का नाम लिया। अगर भगवान है ना तो ब्लैक मैजिक भी है, बालाजी राम का टेंपल भी है, जहां लोग जाते हैं वहां पर कोई क्यों जाता है करने के लिए? आप इस चीज को प्रूफ कर रहे हो कि ब्लैक मैजिक नहीं है, उसका थॉट प्रोसेस है। हम यहाँ स्पिरिचुअलिटी और साइंटिफिकली बात करने के लिए नहीं बैठे, हम यहाँ पर सिर्फ ये मुद्दा उठाने के लिए बैठे हैं कि अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, हमें इंसाफ चाहिए। किसी लड़की के साथ इस इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, किसी को चकाचौंध दिखा करके, शो ऑफ करके, किसी को पिक्चर का लैडर बना करके अगर किसी लड़की को यूज किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, मान लो चाहे वो कोई भी हो, देखिए लेकिन किसी पिक्चर का लैडर दिखा के आप यूज कर रहे हैं, ये आपकी बात मान सकता हूं। क्यों फिर वही वाली बात की आप कह रहे हो कि ब्लैक मैजिक? अभी क्या होता है, आपने एक चीज सुनी होगी कि लोग सपने को बेच देते हैं। देखिए मेरे मेरे सपने आया, मैंने लोगों को बताया, लोग उस पर काम करने लगे। सपनों को एक बिल्डर, सुनिए सुनिए मैं बता रहा हूँ, एक बिल्डर जमीन खरीदता है, प्रोजेक्ट बनाता है, मैप बना देता है, साहब इस समय यहाँ ये फ्लैट बनेगा 19वीं मंजिल पर और उसमें ऐसा ड्राइंग होगा, उसने क्या सपना बेचा आपका या उसने प्रैक्टिकल बेचा? कब बनेगा? 4 साल बाद। उसी तरह से अगर आप वो कह रहे हैं कि वो लैडर दिखाते हैं तो वो उनका एक सपना है, अब वो जरूरी है कि वो पूरा हो ना हो, मतलब सपना गलत दिखा करके लड़की को प्रोस्टिट्यूशन में डाल सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, तो आपको पता हो ना ये हकीकत है नहीं, लड़की खुद कह रही है कि उसको डाला, उसके साथ ये हुआ है, तो ऑब्वियसली ना ये क्या आप ऐसे कैसे, मतलब आप इस चीज को, जो चीज गलत है उस गलत को आप पॉजिटिव नहीं बोल सकते। आप मैं गलत को गलत बोल रहा हूँ, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, एक चीज आप नहीं समझ रहे, प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपने स्वयं को भी गलत ठुकराया, आपने फिर इस चीज को भी गलत ठुकराया, ये कैसे हो सकता है? अगर आप कह रहे हो लैडर बना करके, आप डोंट कंपेयर फैशन बॉलीवुड क्रिटिक्स एंड अच्छा लैडर उसने जो बना रहा था विद आप लैडर, लिसन टू मी, आप किसी भी, आप कह रहे हो कि वो लैडर बना रहा था या वो क्या कर रहा था, बिल्डर ने प्लान बनाया, मैप बनाया, डोंट कंपेयर फैशन बॉलीवुड क्रिटिक्स एंड फैशन स्टाइल्स विद एनी सो कॉल्ड टॉम एंड डिक एंड हैरी। वी डोंट वांट कि अब बिल्डर ने क्या बनाया, मान लो ये मेरा प्रोडक्ट है, मुझे बेचना है, मान लो मुझे इनको ये चीज बेचनी है और मैं इसको सपने दिखा के बोलूं कि अमृता ये चीज आपकी 1 करोड़ रुपए में बिक जाएगी, आपको ये करना पड़ेगा, तो वो उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं इसकी बुद्धि ही घुमा करके या रेकी करके, हिप्नोटाइज करके, इसका पागल बना के, इसको सपने दिखा के, पैसा दिखा के, चकाचौंध दिखा के, ये सब चीज मैं अगर करूं तो वो
उसका थॉट प्रोसेस भी चेंज होगा. आपको भी मैं अगर ये चीज के लिए बोलूं तो आपका भी होगा. तो आप इस चीज में आप इस चीज को नीचे करके अपना नहीं वॉल्यूम हाई कर सकते कि भाई वो बिल्डर ये कहेगा, बिल्डर का ये प्लान था, बिल्डर का नहीं कर सकते. अगर उसको लैडर बना करके यूज किया गया, हमने तो खुद देखा है, हम इतने सेलिब्रिटीज के साथ बैठे हैं. फिर हम आपसे कह रहा हूं, हम तो कितने सेलिब्रिटीज के साथ बैठे हैं सर. आप नहीं, एक नहीं, 10 के साथ बैठे हैं. और सबकी 10ों की एक कहानी है. कोई इस चीज को सामने बोल देता है, कोई इस चीज को सामने नहीं बोलता. मेन मुद्दा मेरा ये है कि अगर किसी लड़की को सपना दिखा करके आप वो गलत रास्ते पे उसको लेकर के आ रहे हो, और वो लड़की प्रोस्टिट्यूशन में अगर नहीं आना चाह रही है, तो कोई जोर जबरदस्ती इसमें नहीं है. मेरा इंसाफ सिर्फ यही है, उसका झगड़ा चाहे सोनाक्षी सिन्हा से हो, पीएस से हो, सलमान जी से हो, किसी से भी हो, अगर सलमान ने भी उसको कोई कमिटमेंट्स करे हैं कि मुझे, मैं आपको ये सब चीज करके उसको लैडर बना के आप ये चीज करो, वो चीज करो, यहाँ जाओ, वहां जाओ, तो उसका उसको कॉम्पनसेशन मिले, उसको उसका काम मिले. क्योंकि 15 साल की लड़ाई में उसने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया, उसने अपने पैसे भी खूब गवाए, उसने अपनी बुक पब्लिश करी, उसने अपने कितने सारे रियलिटी शोज बनाए, उसने अपने क्रैप द मेंटालिटी आप यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं. और सोनी टीवी पर जब पहला उसको विजय एंकर का चांस दिया गया था, सोनी टीवी आई थिंक एक पहला ऐसा चैनल था जो सबसे पहले पूजा को उसने हायर करा था. तो उसमें किसी की सक्सेस को देख करके अगर 5,000 करोड़ का मालिक ये सोचेगा कि मैं 1,000 करोड़ के मालिक को दबा लूं, और उसके पास वो पोटेंशियल, वो काबिलियत है, तो मेरे हिसाब से वो और उसको वो गलत रास्ते पे लेकर के आ रहा है, और उसकी अपनी खुद की रजामंदी नहीं है. तो मेरे हिसाब से वो नहीं आना चाहती. मेरा खुद सलमान खान के साथ झगड़ा हुआ था 2014 में, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है. रेशमा शेट्टी जो उसकी बिजनेस मैनेजर है, उनकी वजह से हमारा करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. आज तक हमारा कोर्ट केस चल रहा है, उन लोगों ने मुझे आने नहीं दिया, ठीक है, मुझे आने नहीं दिया. उनको न्यू फेस से प्रॉब्लम है, तो मैं अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ आपको. ये लोग नहीं आने देते. उसमें पूनम सिन्हा इन्वॉल्व थी, सोनाक्षी सिन्हा डायरेक्टली इन्वॉल्व थी, मेरे साथ में उसका फ्लैट है सोनाक्षी सिन्हा का, जहाँ मैं बॉम्बे में रहती हूँ, ठीक है. ये सब इन्वॉल्व है, ये सब सलमान खान से लेके पूरी टीम है इनकी, एक प्रॉपर इन्होंने गैंग बनाया हुआ इंडस्ट्री के अंदर. और ये किसी को आगे बढ़ने नहीं देते, चाहे वो वीएन दूत हो, वीडियोकॉन का गेस्ट है उसका मालिक हो. देखिए जो वीडियोकॉन आज कहाँ है, मतलब मेरा जो अभी हमारा ये टॉपिक डिबेट जो हमारा चला मेरी फ्रेंड को लेकर के, कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, और अशोक जी इस चीज़ को इनकार कर रहे हैं कि मैं नहीं मानता, ये हमारी मानसिकता की सोच है. देखिए जो भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जितने भी ये तांत्रिक बैठे हैं या घोड़ी बैठे हैं, जितने भी ये जो भी ये तामझाम अपने घरों में बैठ करके कर रहे हैं, या तो उनको रोका जाए, या फिर सरकार जो ये गलत करके किसी के माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, किसी की सोच को नेगेटिव में लेकर के जा रहे हैं, उस चीज़ के ऊपर रोक लगाई जाए, ताकि आने वाले समय में जो भी किसी को भी ग्लैमर का किसी भी फील्ड में, क्योंकि देखिए ये काला मैजिक किसी के ऊपर भी किया जा सकता है. अब जैसे हमारे घरेलू मियाँ बीवी के झगड़ों का वशीकरण हो गया, रेकी हो गई, हीलिंग हो गई, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी हो गया, वो एक पार्ट पॉजिटिव है, जो कि मैं अशोक जी की बात से कुछ कुछ बातों पर सहमत हूँ. लेकिन इस चीज़ के ऊपर रोक लगाई जाए, और इस चीज़ के ऊपर जो इस विद्या को, अघोड़ियों को, इन सबको सजा दी जाए, कि और पहली बात उनके काम को ठप कराया जाए, कि उनके पास अगर कोई भी इस तरीके के, क्योंकि देखिए जहाँ तक मेरा है कि जो नॉर्मल अघोड़ीज होते हैं, नॉर्मल तांत्रिक वगैरह होते हैं, आप किसी काम को ठप नहीं करा सकते. देखिए अमित जी मैं आपको एक चीज कहती हूँ छोटी सी, अगर पूजा मिश्रा जी के साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, और जो बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हुए हैं, अरबाज खान, शत्रुघ्न सिन्हा जी, ठीक है, बहुत बड़े नाम इंडस्ट्री के, उनको बोलिए एविडेंस के साथ कोर्ट में केस करें, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट 100% जस्टिस देगा. वैसे भी वुमेंस के लिए आजकल इंडिया ने बहुत ज्यादा अच्छे लॉ और निकाल दिए हैं, ठीक है, तो 100% लेडीज को तो जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा. हाँ, मैं भी वही चाहता हूँ कि उसको जस्टिस मिले. उसको जो लैडर बना करके आगे इन सब चीजों में यूज किया गया, उसका उसको कॉम्पनसेशन दिया जाए, उसको उसका काम दिया जाए. जितना उसका इस इंडस्ट्री में नाम को स्पॉइल किया गया है, लोगों ने उसको साइको भी बोला या जो भी वो है, उसको न्याय मिले और उसको कॉम्पनसेशन मिलने के साथ उसकी इज्जत वापस, इज्जत इन द सेंस कि उसको वैसे ही और तरीके से ट्रीट किया जाए. क्योंकि हर जगह सोनाक्षी सिन्हा नहीं छप सकती, हर जगह सोनाक्षी सिन्हा दबंग 3 में नहीं आकर के खड़ी, हर जगह जाकर के कैटरीना कैफ आकर के नहीं बन सकती. देखो आप ये चीज नहीं डिसाइड कर सकते, ये नहीं डिसाइड उन लोगों का टॉपिक नहीं है. क्योंकि देखिए आप इस चीज को एंड करिए यहीं पे, ठीक है. आपकी फ्रेंड के साथ गलत हुआ, आप ये कह रहे हैं एविडेंस है, सुप्रीम कोर्ट जाए, हां खत्म बस.